धरती के एक बड़े हिस्से में मौसम बदल रहा है और देश में सर्दी का मौसम दस्तक दे चुका है और यही वो समय होता है जब कोल्ड फ्लू यानी सर्दी जुकाम आम बात हो जाती है, लेकिन इस बार की सर्दी चिंता बढ़ा रही है। डर इस बात का है कि ठंडी हवाओं के साथ बदलते मौसम की वजह से कोरोना वायरस अपनी अधिक ताकत के साथ तेजी से फैल सकता है। तो चलिए जानते हैं कोरोना से बचने के लिए सर्दियों में कैसे देखभाल करें। इंसानों में होने वाले हर संक्रामक रोग का एक खास मौसम होता है, जैसे सर्दियों में फ्लू और कॉमन कोल्ड होता है, उसी तरह गर्मियों में पोलियो और बसंत के मौसम में मीजल्स और चिकन पॉक्स फैलता है। सारे संक्रामक रोग मौसम के हिसाब से बढ़ते हैं, इसलिए ये माना जाता है कि कोरोना भी सर्दी में बढ़ सकता है। ऐसे में जब आयुर्वेद के सलाहकार चिकित्सक डॉक्टर ओमराज शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सर्दी के मौसम में बच्चों और बूढ़ों को खास ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि लहसुन एक अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ माना जाता है जिसमें कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, तो सर्दियों के मौसम में अदरक और लहसुन का इस्तेमाल जरूर करें। सर्दियों के मौसम में सर्दी जुकाम होना आम बात है, लेकिन कोरोना महामारी के इस दौर में हर व्यक्ति को खास ख्याल रखना जरूरी है। अगर आपको हल्का सर्दी जुकाम भी है तो भी डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि सर्दी जुकाम में भी गले में हल्की खराश होना आम बात है और यही लक्षण कोरोना महामारी का भी है। अगर किसी व्यक्ति को 2 या 3 दिन से ज्यादा सर्दी जुकाम है तो ऐसे में चिकित्सा अधिकारी से जरूर संपर्क करें ताकि आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकें। फ्लू के मामले में ये होता है कि वायरस तापमान और हवा में मौजूद नमी के हिसाब से फैलता है। ये पक्के तौर पर एक समस्या है। वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से जाएगा या नहीं, ह्यूमिनिटी इसमें अहम रोल अदा करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्दियों में तापमान गिरने से जब इम्यूनिटी में कमी आएगी तभी वायरस हवा में अधिक से अधिक समय तक मौजूद रह सकता है। ऐसे में कोरोना महामारी के इस दौर में सभी को खास ख्याल रखना होगा। सर्द ऋतु में अक्सर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी डाउन रहता है। सुबह जो है वो एकदम कंट्रास्ट रहता है। सुबह के टाइम पे जो है वो आप एकदम से टेम्परेचर जो है वो माइनस में भी कहीं कहीं तो माइनस में भी चला जाता है जी। आप जैसे जानना चाह रहे हैं कि इस मौसम के अंदर बच्चों को और बुजुर्गों को कैसे रोका जा सकता है, उनकी कैसे रक्षा की जा सकती है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल कैसे की जा सकती है, तो इस ऋतु में विशेषतः हमें जो है वो एक तो गर्म कपड़ों का जो है वो सही ढंग से अपनी शरीर को पैक करना पड़ेगा। बच्चों के लिए जो है वो गर्म बुलंद के कपड़े पहनना पड़ेंगे और ख़ासकर बुज़ुर्गों को जो है वो जब तक अच्छी तरह से धूप ना निकले तो वो अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जूं ही आप सुबह कुछ लोगों की आदत होती है कि ठंड में निकलने की, तो ये ज़्यादातर बच्चों में ये रहता है कि निमोनिया और बुज़ुर्गों में जो है वो भी निमोनिया और सांस की तकलीफ हो सकती है। इसके लिए भोजन की जो व्यवस्था रहेगी उसमें गर्म पानी का सेवन करें और अपने भोजन में अदरक लहसुन इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादातर फ़ायदेमंद रहेगा इस जो इसका मौसम। और दूसरी बात, क्योंकि अभी कोरोना का जो ये प्रकोप जो है वो चल रहा है तो बहुत से लक्षण ऐसे इकट्ठे होते जा रहे हैं जो कि वैसे तो आजकल के मौसम में नवंबर और दिसंबर के महीने में वैसे तो जुकाम वगैरह एक बड़ी आम सी बात थी तो सबको ही होता था, लेकिन कोरोना के आने के बाद से ये सबसे बड़ा भय ये बन गया हुआ है कि अभी तक ये मालूम नहीं हो पा रहा है कि क्या ये व्यक्ति विशेष को कोरोना का प्रकोप है या उसको कोई जुकाम वगैरह हो रहा है। तो वो एक तो उसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि दोनों चीज़ों में हम ये देखें कि क्या व्यक्ति कहीं ये ना सोच के बैठे कि मुझे जो है वो जुकाम ही हुआ है तो इसलिए वो अपनी चिकित्सा ना करे। अगर जैसे अक्सर ये देखा गया है कि कोरोना में भी गले में खराश होती है और आजकल सर्दी जुकाम में भी गले में खराश होती है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में अंतर यह है कि जैसे कुछ लोगों को इस मौसम में छींकें हो जाएंगी, नाक से पानी चल पड़ेगा, शरीर में थोड़ा तापमान बढ़ जाएगा, ठंड लगेगी, थोड़ी सी खांसी होगी, थोड़ा सा कफ आएगा, तो वो इस बात का विशेष ध्यान दें और वो अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर लें।
अगर वो 2 या 3 दिन तक ये बुखार और खांसी का इस तरह से प्रकोप रहता है तो हो सकता है कि वो आप कहीं किसी के कॉन्टेक्ट में आके कोरोना से ग्रसित तो नहीं हो गए। इसलिए बेहतर है कि इस मौसम में खासकर हम लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। सुबह सुबह जो है वो ठंड के मौसम में मॉर्निंग वॉक को छोड़ दें, थोड़ा धूप निकले तब करें। जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं शाम को भी जा सकते हैं, थोड़ा इवनिंग वॉक पर जाएँ और थोड़ा वार्म अप रहें और एकदम से जो है। और दूसरी बात, इस सर्दी के मौसम में रात को खासकर बुजुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है कि रात को जब वो अपने बिस्तर पे लेटे हों तो एकदम से ना उठें, आराम से उठ के अपने बेड पे बैठें, थोड़ी देर तक रेस्ट करें, उसके बाद अगर वॉशरूम उनको जाना है तो जाएं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि सर्दी के मौसम में बहुत से लोग जो हैं वो उनको समस्या हो सकती है।